फैक्ट नंबर एक, विराट का कमाल, सूर्य का धमाल और केएल राहुल की शानदार वापसी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को चारों खाने चित्त कर दिया। जी हाँ गाइस, इन तीनों भारतीय बल्लेबाजों की मदद से इंडिया ने पहले तो 184 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर बांग्लादेश को 145 रनों पर रोकते हुए डकवर्थ लुइस के हिसाब से 5 रनों से मात देकर टिकट टू सेमीफाइनल लगभग तय कर लिया और करारा जवाब दिया है बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को, जिन्होंने मैच से पहले कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने आई है लेकिन हम उसे हराने। तो मौजूदा स्थिति यह है कि इंडिया तो पहुंच गया है सेमीफाइनल में, लेकिन अब शाकिब अल हसन जी को और उनकी टीम को जाना पड़ेगा घर। फैक्ट नंबर दो, गाइस पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, बशर्ते अगर वो अपना बचा हुआ एक मैच बांग्लादेश से जीत जाए और साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों में से कोई भी एक टीम अपने बचे हुए मैच में हार जाए। और उनमें से भी खासकर पाकिस्तानी फैंस दिल से ये चाहते हैं कि इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए और उन्हीं में से एक है पाकिस्तानी एक्ट्रेस शिन वारी, जिसने ये तक कह दिया कि अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देती है तो मैं जिम्बाब्वे के लड़के से ही शादी करूंगी। अब ये सुनकर भला किसके मन में लड्डू नहीं फूटेगा, और खासकर जिम्बाब्वे के लड़कों की तो निकल पड़ी, क्योंकि वो भी ये सोच रहे होंगे कि मैच से पहले कितना गजब का मोटिवेशन मिला है। लेकिन गाइस, जिम्बाब्वे के कुंवारे लड़कों का ये सपना और पाकिस्तानी एक्ट्रेस शिनवारी की मुराद पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि जीतेगा तो हमारा इंडिया ही। वैसे गाइस, अगर आपके लिए ऐसा कोई प्रपोजल आता तो आप क्या करते?